तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुद्ध गेमर्स में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, हमारा अगला इनक्यूबेटर जो होने वाला है वो होने वाला है M1014 का इनक्यूबेटर। तो गाइस, हम आपको बताएंगे कि आपको उसके लिए डायमंड सेव करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, क्या वो इनक्यूबेटर के वर्थ हैं या फिर नहीं है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना और कोई पार्ट मिस मत करना। और हाँ गाइस, वीडियो में एक कोड होगा जो कि 3 पार्ट में होगा, जो उसे हमें सबसे पहले कमेंट करेगा हम उसके चैनल को प्रमोट करेंगे। तो गाइज, ये रहा वो कोड। और हाँ गाइज, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, इंट्रो के बाद आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये होने वाली है हमारी M1014 की जो 4 स्किन्स है, ये हैं वो चारों स्किन्स। और हाँ गाइज, इन सब के हम आपको एट्रीब्यूट बता देते हैं। तो गाइज, ये जो स्किन है ये टॉप के इनक्यूबेटर की स्किन होने वाली है। इसमें है गाइज डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल रिलोड स्पीड, यानी कि गाइज ये होने वाली है बहुत ही भयंकर खतरनाक जहर बिल्कुल M10 की स्किन, क्योंकि गाइज इसमें है डबल रेट ऑफ फायर जो कि गाइज M10 में कम होता है, और रिलोड स्पीड गाइज यानी कि ये तो गाइज बहुत ही भयंकर गन होने वाली है। तो दोस्तों, ये हमारी अगली स्किन, इसमें गाइस है डबल रेंज सिंगल रेट ऑफ फायर और गाइस माइनस है रिलोड स्पीड। तो गाइस, ये उन लोगों के लिए सही है गाइस जो लोग किसी भी हाल में बंदे को मारना चाहते हैं, 1 टू 1 टू ये कुछ नहीं मारते हैं, सिंपल बंदों को मारते हैं गाइस। ये उनके लिए सही है कि गाइस इसमें डबल रेट ऑफ फायर है। आपको पता होगा गाइस, M10 का रेट ऑफ फायर कम है और गाइस रेंज तो बहुत ही कम है, इसलिए गाइस M18 के मुकाबले M10 फीकी पड़ जाती है। इसलिए गाइस ये स्किन बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो अब चलते हैं हमारी अगली स्किन की तरफ। ये हमारी अगली स्किन गाइज, इसमें है डबल डैमेज सिंगल रेंज और माइनस एक्यूरेसी। तो गाइज ये भी बहुत ही अच्छी स्किन हो सकती है, क्योंकि गाइज इसमें है डबल डैमेज। ये गाइज उन लोगों के लिए जो गाइज 1 टैप मारते हैं, और गाइज में एक्यूरेसी प्लस इसलिए एक्यूरेट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो गाइज चलते हैं हमारी अगली स्किन की तरफ। हमारी चौथी और आखिरी स्किन, तो गाइज इसमें है डबल एमओ और सिंगल डैमेज, यानी कि गाइज 2 मैगजीन इसमें प्लस है और सिंगल डैमेज। गाइज ये उन बंदों के लिए है गाइज जो लोग डायरेक्ट रश खेलते हैं, जैसे घर में अगर कोई पूरा स्क्वाड बैठा हो तो आप आराम से इससे मार सकते हो, क्योंकि इसमें है डबल मैगजीन प्लस। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड गुड बाय। और गाइज, जिसने अभी तक भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, उसके लिए बस एक ही डायलॉग है, अंडी बंडी संडी, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसकी फटी हुई बंडी। मिलते हैं अगली वीडियो में।